दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर को सुपर ओवर में हराकर वापसी की है वीवो आईपीएल 2019 में। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप अगर एक स्टार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए। टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। कोलकाता नाइट राइडर की शुरुआत बहुत कमजोर रही, 61 रन पे 5 विकेट एक समय पर गवा चुका था कोलकाता नाइट राइडर। और उसके बाद दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल के बीच 95 रन की साझेदारी हुई 52 गेंदों में छठे विकेट के लिए। आंद्रे रसल ने 62 रन की पारी खेली 28 गेंदों में, 4 चौके और 6 छक्कों की मद से। दिनेश कार्तिक ने 50 रन की पारी खेली 36 गेंदों में, 5 चौके और 2 छक्कों की मद से। और इसके चलते कोलकाता नाइट राइडर एक बड़े स्कोर तक पहुँचने में कामयाब रहा। संदीप लम्बे चैन ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। हर्षय पटेल ने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लिए। और जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही, ओपनिंग साझेदारी बड़ी नहीं बन पाई, जल्दी विकेट गिर गया। लेकिन उसके बाद पृथ्वी शॉ और सुरेश अय्यर के बीच दूसरे विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी हुई 54 गेंदों में। तीसरे विकेट के लिए पृथ्वी शॉ और पंत के बीच 54 रन की साझेदारी हुई 35 गेंदों में। और सुरेश अय्यर ने 43 रन की पारी खेली 32 गेंदों में, 4 चौके और 2 छक्कों की मद से। पृथ्वी शॉ ने कमाल की पारी खेली, हालांकि वो अपना 100 नहीं बना पाए, लेकिन एक ऐसी पारी जिसके चलते मैच वन साइडेड हो गया था। 99 रन की पारी खेली 55 गेंदों में, 12 चौके और 3 छक्कों की मद से। कुलदीप यादव की बात करें तो तीसरे ओवर तक ये एक्सपेंसिव थे, लेकिन चौथा ओवर इन्होंने डेथ में डाला। आखिरी ओवर था वो मैच का, 6 रन डिफेंड करने थे, इन्होंने डिफेंड किए और उसके चलते मैच टाइड हुआ। इसके बाद बारी थी सुपर ओवर की। सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी पहले थी, सुरेश अय्यर पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। गेंदबाज थे केकेआर की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और दिल्ली कैपिटल्स 10 रन बनाने में कामयाब रही, 1 विकेट उनका गिरा। केकेआर को टारगेट था 11 रन का। केकेआर की ओर से डीके और आंद्रे रसल बल्लेबाजी करने के लिए आए। गेंदबाज थे दिल्ली कैपिटल्स के कंगी सुरबाडा। पहली गेंद पे बाउंड्री कंसीड करने के बाद अच्छी गेंदबाजी करके कंगी सुरबाडा ने 10 रन सेव करने में कामयाब रहे और इस प्रकार दिल्ली कैपिटल्स ने ये मुकाबला जीत लिया। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।